सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कमियां क्या क्या है। कमियां ये है कि भाई गाड़ी में था, नई गाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि अभी मैं काम से फ्री हुआ हूँ। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि गाड़ी के 2 मंथ्स की ओनर रिव्यू। ठीक है, अभी तक गाड़ी सर्विसिंग नहीं हुई है, फर्स्ट सर्विसिंग नहीं आई है गाड़ी की। और स्टार्टिंग से वीडियो देखे है कि गाड़ी में मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया, किस किस की इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी वो मैंने दे दी। ठीक है, अभी बात आती है कि गाड़ी का 2 मंथ्स का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि भाई अभी तक गाड़ी की पहले सर्विसिंग भी नहीं हुई है, आपका इतना रनिंग भी नहीं हुआ है, तो आप किस बेसिस पर गाड़ी के इतना बता रहे हैं। ठीक है, किस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि मुझे कैसी लगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कमियां क्या क्या है। कमियां ये है कि भाई गाड़ी में अभी तक एक्सेसरीज ज्यादा मैंने नहीं लगाई है। ठीक है, जो लगाई है वो मैंने शॉर्ट्स में दिखाई है। अभी यही वीडियो क्यों, ठीक है, मतलब अभी तक मुझे गाड़ी को लिए 2 महीने हो गए और जो गाड़ी में फीचर नए आए हैं, कंपनी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नए कर दिए हैं, उन सब का क्या होता है कि नया होने के रीजन की वजह से कुछ दिक्कतें आती है। ठीक है, लेकिन अभी तक मेरी गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, मतलब कि अभी तक मैंने कुछ भी दिक्कत फेसेस नहीं की है। ठीक है, जो गाड़ी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली या फिर आप भी देखते हो कि भाई गाड़ी 1 महीने बाद ये हो गई, गाड़ी लेने के बाद ही ऐसा हुआ, गाड़ी लेने के बाद ही गाड़ी ने ये दिक्कत दे दी, नई गाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं, सीक्वेंसेस आप फेस करते हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरी वेन्यू ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, मतलब कि मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक 2 महीने में मेरे गाड़ी का रनिंग हुआ है 1,946 किलोमीटर। ठीक है, गाड़ी लगभग नॉनस्टॉप अगर रनिंग की मैं अगर बात करूं तो मैंने गाड़ी लगभग 600 किलोमीटर खींची है जाते समय आते समय। ठीक है, गाड़ी ने वहां पर भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं दी। ठीक है, अभी बात करते हैं गाड़ी के ड्राइविंग रिव्यू के बारे में। ठीक है, गाड़ी का कैसा कैसा कंफर्टेबल है, अगर मैं बात करूं मेरी हाइट है लगभग 5'9" 5'10". ठीक है, एक बार भी ऐसा मतलब फील नहीं हुआ कि मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहा हूँ। ठीक है, कैसा होता है कि अगर गाड़ी आप सर्विसिंग करते हो फर्स्ट वाली, ठीक है, जो मैंने सुना है ओनर्स के बीच में कि भाई अगर गाड़ी सर्विसिंग होके निकलती है तो गाड़ी कुछ ज्यादा ही मक्खन की तरह दौड़ने लगती है। सेंस लगा के बोलते हो कि भाई चलो गाड़ी सर्विसिंग के बाद थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा और देगी, तो मुझे कुछ ऐसी होप नहीं है क्योंकि गाड़ी अभी से ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, सबसे अच्छी पॉजिटिविटी में जो क्या लगी कि मैंने ले ली थी कॉम्पैक्ट एसयूवी और मुझे फील आता है एसयूवी वाला। ठीक है, कंपनी क्या करती है कि हाँ आपकी गाड़ी के साथ आपको ये मिलेगा, गाड़ी आपको ऐसा फील देगी वैसा फील देगी, ये आपको फीचर्स मिलेंगे, तो सच्ची में बोल रहा हूँ कंपनी ने जैसा बताया था वैसा मुझे गाड़ी ने रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी ने अलग बात कर दी और मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन के साथ साथ अगर आपके डिसीजन भी अच्छे निकलते हैं तो मतलब चीज को यूज करने में जो फील आता है, जो मजा आता है वो एक अलग ही है, जैसे मैं अभी फेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पर्सनली अगर बताऊं तो एसयूवी में क्यों नहीं गया मैं। ठीक है, तो अगर आपको एक ही चीज में अगर दो आपकी जो होप्स है इच्छाएं है कि हाँ मुझे ये तो गाड़ी चाहिए लेकिन इसके साथ साथ वो वाली भी फील चाहिए। ठीक है, मेरा जो डिसीजन था वो सच में राइट था, अभी मुझे ऐसा फील आता है। ठीक है, मैं चीज कम पैसे में लेने के साथ अगर आप उसमें बार बार पैसे खर्च करते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे दे रहे हो, ठीक है, अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको डर मन में एक डर रह रहा है कि भाई मैं इस गाड़ी को ज्यादा पैसे, मेरे मतलब बजट से ज्यादा अगर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन गाड़ी अगर वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती तो आपका डिसअपॉइंट हो जाती है। ठीक है, तो वैसा अभी तक मेरे गाड़ी ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है और मेरा डिसीजन भी मुझे गलत नहीं लगा। ठीक है, ये मैं किस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक गाड़ी
खींचिए, मतलब गाड़ी मैंने अभी तक यूज की है, अभी तक मैंने कुछ फेसेस मतलब किया नहीं है वैसा, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपनी चॉइस देख रहे हो तो चॉइस के साथ साथ पॉजिटिविटीज और निगेटिविटीज भी देखो। गाड़ियों का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाड़ियों में ये चीज ज्यादा होती है भाई, अगर मैं उसको लगा रहा हूँ पैसे तो मुझे चीज भी वैसी मिलनी चाहिए और उसका रिस्पॉन्स भी वैसा चाहिए, ठीक है। हर वीडियोज में कहता हूँ कि भाई मुझे सबसे ज्यादा ह्यूंडई का क्या पसंद है, स्टेयरिंग सेंसिटिविटी और गियर स्मूथनेस, ठीक है। ये सब चीजें मुझे पसंद थी इसलिए मैंने पर्सनल आउट वेन्यू ले ली, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो मैंने अभी तक फेसेस की और मुझे गाड़ी ने अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया। बाकी ये आप अगर वेन्यू ले रहे हो तो खुशी से लो। जो गाड़ियां मैंने देखी थी उसके साथ में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें बीच में आ रही थी, लेकिन जब मैंने वेन्यू को देखा, मतलब वेन्यू को मैंने डिसाइड किया, तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, रिस्पांस गाड़ी का अच्छा रहा, ठीक है। तो बताने का यही ओपिनियन था, यही सीन था कि अगर आप गाड़ी को ले रहे हो तो खुशी से लो, गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि पहले ऐसे डिजाइन नहीं थे, ऐसे फीचर नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन अभी क्या हो रही है कि गाड़ियां मार्केट में अपडेट हो रही है, कम पैसों में भी और ज्यादा पैसों में भी, ठीक है। गाड़ियां जो कम पैसों में भी अपडेट हो रही है, ज्यादा पैसों में भी अपडेट हो रही है, लेकिन वो कौन सी लेनी चाहिए वो आपके डिसीजन पर डिपेंड रहता है, ठीक है। गाड़ी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ठीक है। हर एक की अलग पर्सनैलिटी होती है, जो लोग बड़े हैं, जो बॉडी बिल्डर है, जो मतलब कि जिनको ह्यूज बल्कि गाड़ियां पसंद है, वो थार, स्कॉर्पियो, 700 XUV और ज्यादातर उन गाड़ियों में जाते हैं, एंडियोर है, फॉर्चुनर है, आपका बजट अगर ज्यादा है तो, ठीक है। जो लोग स्लिम ट्रिम लेना पसंद है मेरी तरह, स्लिम ट्रिम मतलब कि गाड़ी ज्यादा बड़ी भी ना हो, ज्यादा छोटी भी ना हो, गाड़ी ऐसी रहे कि भाई खड्डों में मुझे ज्यादा से तकलीफ ना हो, और जो पीछे बैठे है उनको भी अनकंफर्टेबल फीलिंग ना आए, ठीक है। और अगर मैं सेडान लवर की बात करूं तो सेडान लवर में ज्यादा से ज्यादा वेरना को लेके लोग ज्यादा पजेसिव रहते हैं, ठीक है। वेरना का सीन ही ऐसा है कि भाई गाड़ी अभी जो है, अभी तो गाड़ी बहुत बढ़िया आई है, ठीक है। और मैं ह्यूंडई की तारीफ इसीलिए करता हूँ कि ह्यूंडई सब चीजों में ध्यान देती है, ठीक है। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स, इंजिन रिस्पॉन्स, स्पीड, माइलेज और गाड़ी की स्मूथनेस, और ज्यादा से ज्यादा जो मुझे पर्सनल आउट पसंद है वो गाड़ी की डिजाइन, ठीक है। वेन्यू की जो बटन ग्रिल डिजाइन है सामने की, वो एक अच्छा लुक देती है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, ये वीडियो 2 मंथ्स के रिव्यू की थी। और हाँ, सबसे बढ़िया बात कि मैं जिस चीज का अभी तक वेट कर रहा था वो चीज जल्दी ही मैं वीडियो में लाने वाला हूँ। उस चीज के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, और इसके बाद गाड़ी थोड़ा डिफरेंट लुक देगी। आपको डाउट आ गया होगा कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, अगर डाउट आ गया है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है, बाय।